सोशल मीडिया को भी जो दबाया जा रहा है, जिनकी रीच कम की जा रही है, जिनका डीमोनेटाइज किया जा रहा है, ये जो बदमाशी कर रहे हैं लोग, इनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पटिशन फाइल करेंगे। वो लोग जिन जिनको सताया गया, जिनके साथ इस तरह का हुआ, वो हमें इन्फॉर्मेशन दें। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड में इफेक्टिव कंट्रोल के हिसाब से इस देश के प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर किस तरीके से SBI किस्तों में इन्फॉर्मेशन दे रही है, किस्तों में, और आज जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें बहुत सारा KYC तमाम ये कुछ बहुत सारी जानकारी नहीं है, नहीं दिया गया हम जी को। जी जी, देश का बुरा हाल पुरानी इमरजेंसी से भी ज़्यादा कर दिया है सरकार ने, और देश पुलिस स्टेट में बदल गया। पुलिस स्टेट का क्या मतलब है, हर जगह पे पुलिस। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर किस तरीके से SBI किस्तों में इन्फॉर्मेशन दे रही है, किस्तों में, और आज जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें बहुत सारा KYC तमाम ये कुछ बहुत सारी जानकारी नहीं है, नहीं दिया गया हम जी जी जी। KYC भी अगर बतानी जरूरी होगी, अगर इन्फॉर्मेशन लोगों को पूरी नहीं मिली इस बात से, कैलकुलेशन सही नहीं कर पाए, आपसे मिलान सही नहीं कर पाए, और KYC अगर कुछ आड़े आती है देश को जानने में, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसका भी आदेश कर देगी। पूरा इलेक्शन मैनिपुलेशन पे तो अशोका यूनिवर्सिटी एक टीचर ने आर्टिकल लिखा था, उसको नौकरी से धोना पड़ा हाथ, तो ये पूरी की पूरी दाल काली है। नमस्कार, मैं हूं रंजर और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर रतनलाल बलराज मलिक साहब। और देश में से चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मोदी सरकार इस बार भी कह रही है कि अब की बार 400 पार। ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है, अगर इतना ये पॉपुलर और सर्वशक्तिमान है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, 400 पार तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा ना 400 पार। तो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएंगे, और इलेक्शन कमीशन ऐसे लग रहा है जैसे कि BJP के ऑफिस का एक्सटेंशन हो। इलेक्शन कमिश्नर के क्वालिफिकेशन पे लगातार हम सवाल उठा रहे हैं कि वो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, वो कैसे दावा कर सकते हैं कि EVM में हेराफेरी नहीं हो सकती है। वो समझ रहे मेरी बात, पहले कंप्लीट हो जाने दीजिए, कैसे दावा कर सकते हैं कि EVM में हेराफेरी नहीं हो सकती है, और जो जो आर्गूमेंट है बचकाना आर्गूमेंट है कि आपको टाइम कम लगेगा, कहाँ टाइम कम लग रहा है, 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक कितने 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीना इलेक्शन, टाइम कहाँ कम हो रहा है, संसाधन कहाँ कम हो रहा है, इंजीनियर लगे हुए हैं, EVM मशीन है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस लगेंगे, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर आएंगे, ये तो खर्चा कहाँ कम हो रहा है, और बचकाना ये जो आर्गुमेंट है कि हमको ज़्यादा हॉल चाहिए VVPAT की काउंटिंग के लिए, तो क्या इस देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन क्या इस देश में VVPAT काउंट करने के लिए हॉल कमी है, ये तो नाइन्थ क्लास का बच्चा भी इस पर बहस कर लेगा कि जिस तरह से वो सोशल एक्टिविस्ट को उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग EVM के खिलाफ बोल रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और इलेक्शन पूरा इलेक्शन मैनिपुलेशन पे तो अशोका यूनिवर्सिटी एक टीचर ने आर्टिकल लिखा था, उसको नौकरी से धोना पड़ा हाथ, तो ये पूरी की पूरी दाल काली है, सब मिले हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि भाई बलराज साहब हैं, वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में, बताएंगे कि कोर्ट में क्या स्थिति है, कि इसकी अर्ली हियरिंग हो, और जब दुनिया के किसी भी देश में जो जहाँ मशीन है, जहाँ पे कंप्यूटर है, जहाँ पे सब ईजाद हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, वहाँ EVM से चुनाव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पे सुई भी इन्होंने नहीं बनाया, वहाँ पे EVM मशीन से चुनाव करने की जल्दीबाजी क्या है, जापान में क्यों नहीं हो रहा है EVM से, इंग्लैंड में क्यों नहीं हो रहा है, जर्मनी में क्यों नहीं रहा, एक आदमी वहाँ कोर्ट में गया जर्मनी में और EVM को बैन कर दिया गया वहाँ, और यहाँ लाखों करोड़ों लोग EVM के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या सुनाई नहीं दे रही है? आप जो जहाँ EVM बनती है उसके डायरेक्टर में पता लगा कि वहाँ पे BJP के 4 उसमें कार्यकर्ता थे, BJP के लीडर थे, तो कैसे उससे एक्सपेक्ट किया जाए? इंजीनियर ने बताया कि EVM हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पटेल साहब यहाँ घूम रहे होंगे, उन्होंने तो खुली चुनौती दी है कि EVM लेके आइए, हम बता देते हैं कैसे हैक होता है जी। सर, ठीक चुनाव के पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम पास किया गया है सर, ये इसकी टाइमिंग पर आप क्या कहेंगे? टाइमिंग पर सिर्फ एक लाइन मेरे पास है कि सगाई हुआ है 2019 में, आप अगर दिन तारीख देखे हुए, दिन तारीख देखना चाहिए, सॉरी दिन तारीख देख कर ब्याह हुआ है 2024 में, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और इनकी विदाई कब होगी कि नहीं होगी, कैसे क्या होगा, इनकी विदाई होगी 2024 में, ये कहना है। ये चुनाव को खाली, अच्छा इस बार हमें देख रहा हूँ कि जो ये इंटेंशन था कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं दिख रहा है, हमारे साथ तो सारे हिंदू लोग खड़े हैं यहाँ पे, जितने लोग खड़े हैं, तो इसमें कोई उत्साह लोगों में नहीं है कि CA आप लागू कर दिए तो उससे क्या होगा, कहाँ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो रहा है, ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह देख रहे हैं ना। एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर
किस तरीके से SBI किस्तों में इन्फॉर्मेशन दे रही है, किस्तों में। और आज जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें बहुत सारा KYC तमाम ये कुछ बहुत सारी जानकारी नहीं है, नहीं दिया गया हम जी जी जी। तो मलिक साहब, जो ये चुनावी बॉन्ड का जो मुद्दा है उसमें SBI ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, ऐसा विपक्षी दल सभी कह रहे हैं और पूरी जानकारी नहीं उपलब्ध कराई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, आज भी उन्होंने कहा कि जी हमने एफिडेविट में सब कुछ बता दिया है और कुछ KYC वगैरह बताएंगे तो ये बैंकिंग लॉ के खिलाफ है, ये उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमने फिलहाल रखी है। अब इस मुद्दे पर भी दूसरे पटिशनर जो हैं वो क्या बात रखेंगे, अभी जो जानकारी आई है पूरे देश के सामने एक बार आ जाए, इसे क्या हलचल होती है। अगर जरूरी हुआ इस केस में खास तौर पे, ये KYC का मतलब ये नहीं कि रूल बना दिया किसी की भी KYC कोई बताए, ये तो इस मुद्दे की बात है। इस मुद्दे में पॉलिटिकल पार्टी का KYC या उसको दान देने वाले चोर चकारे जो लोग हैं उन्होंने जिन्होंने दान दिया, ये विशेष कैटेगरी के लोग हैं, ये देश के लोग नहीं हैं इस वक्त, ये अलग तरह का एक मसला है, पर्टिकुलर इस केस से रिलेटेड है, उस बात की इन्फॉर्मेशन देश को चाहिए। आने वाले समय में मुझे लगता है हो सकता है KYC भी अगर बतानी जरूरी होगी, अगर इन्फॉर्मेशन लोगों को पूरी नहीं मिली इस बात से, कैलकुलेशन सही नहीं कर पाए, आपसे मिलान सही नहीं कर पाए और KYC या कुछ आड़े आती है देश को जानने में, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसका भी आदेश कर देगी। अब कोई ऐसी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो मूड में है, सुप्रीम कोर्ट देश के मूड को भी समझ गया है, ज़्यादातर जजेज, वो जजेज भी जो जिन बेंचों से लोगों को बेल नहीं मिल रही उन्होंने भी कमेंट करना शुरू कर दिया है, भाई हम मानेंगे नहीं, इस तरह से जेल में रखना ठीक नहीं है, मगर बेल नहीं दी जा रही। तो इसमें सारा का सारा, और इसका अभी मुद्दा बाकी है EVM का भी, और ये मुद्दा हो सकता है, हम तो मांग करेंगे, अब कुछ एडवोकेट मांग करेंगे, जरूरी हुआ तो पटिशन फाइल करेंगे कि इस मामले में इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाया जाए, ये देश की जरूरत है। देश की सुप्रीम कोर्ट देश के हिसाब से चलेगी, न कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देश चलेगा, और देश चाहता है EVM पे फैसला हो जाए, देश में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, किधर खड़ी है सुप्रीम कोर्ट और लोगों को कैसे व्याख्यित करती है। और लो हमेशा प्रो पीपल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हर कानून को प्रो पीपल सोच के बनाना होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश की राष्ट्रपति हो, परो शासन, परो गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि देश में शासन नहीं है, देश शासन को तो जूते मार दिए थे हमने 47 में, देश आज़ाद शासन से तो हुआ था, पुलिस स्टेट एक शासन की तरह से, मगर आज देश में देश का बुरा हाल पुरानी इमरजेंसी से भी ज़्यादा कर दिया है इस सरकार ने, और देश पुलिस स्टेट में बदल गया। पुलिस स्टेट का क्या मतलब है, हर जगह पे पुलिस, धरना कोई आदमी बोले वहाँ पुलिस, कोई बोले तो उसके खिलाफ केस और उसको पुलिस में जेल में ठोकना, इसका मतलब है ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, संविधान को समझते नहीं है, संविधान के हत्यारे लोग हैं, और देश को इन्होंने पुलिस स्टेट में बदल दिया है, संविधान को ये ऑलरेडी शीर्षासन में लगा चुके हैं, उल्टा नीचे कर चुके हैं। ऐसे लोगों को और ख़ासतौर पर जिस तरह से कंट्रोल, जो इफेक्टिव कंट्रोल के नाम पे सत्येंद्र जैन की बेल कैंसिल होती है, उसको आगे जेल में रहना पड़ता है, इफेक्टिव कंट्रोल के नाम पे इन्होंने वहाँ पकड़ लिया झारखंड का CM, इफेक्टिव कंट्रोल के नाम पे ये दिल्ली के CM को पकड़ना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड में इफेक्टिव कंट्रोल के हिसाब से इस देश के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पास जाए, पैसे कैसे आए, क्यों आए और किन कंपनियों ने कैसे दिए, और वहाँ सरकारी गवाह बनाए जाएं जिन कंपनियों को डराया गया या जिनके मुकदमे पैसे लेके वापस किए गए, उनके सरकारी गवाह बना के इस देश के प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को जेल में ठोकने की जरूरत है इस वक्त, और सुप्रीम कोर्ट से हम जरूर वो करेंगे। और सोशल मीडिया को भी जो दबाया जा रहा है, जिनकी रीच कम की जा रही है, जिनका डिमोनेटाइज किया जा रहा है, ये जो बदमाशी कर रहे हैं लोग, इनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पटिशन फाइल करेंगे। वो लोग जिनको सताया गया, जिनके साथ इस तरह का हुआ, वो हमें इन्फॉर्मेशन दें, हम सब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे, चीफ जस्टिस के सामने इस पटिशन को रखेंगे, देन ही विल डिसाइड कि ये कौन सुने और इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और देश में जिस तरह से इलेक्शन का शेड्यूल फिक्स किया गया है, ये सारा का सारा गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और देश के साथ धोखा है। इस धोखे में कोई सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो मेन आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर, और उसकी हर षड्यंत्र और चाल को एग्जीक्यूट करने वाला देश का गृह मंत्री। और ऐसे मौके में हम राष्ट्रपति महोदया को भी कहेंगे वो अपनी नज़र को पैनी रखें और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को बचाएं, ऐसी ताकतों से इन पे कंट्रोल और लगाम लगाएं। सर, आप एक वकील हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पास हुआ है सर, इसमें नागरिकता देने के लिए लाया गया है ऐसा अमित शाह कह रहे हैं और भाजपा कह रही है, तो फिर सर विरोध कैसा है सर, ये जो आम जनता को आप कैसे इसको बताएंगे? ये इसलिए बताएं, देखिए विरोध इस बात का है, तुम बहाना बना के, हमारा देश सेकुलर देश है,
हमारा देश में जब ये देश आज़ाद हुआ तब भी जिनको छूट थी, जो लोग यहाँ रहना चाहें वहाँ ना जाना चाहें वहाँ भी, और वहाँ पे जो अत्याचार का बहाना बना रहे हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और तीसरा अफगानिस्तान में, अरे भाई फिर सरकार क्या कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, एम्बेसडर क्या कर रहे हैं? और जिसकी पड़ोसी से नहीं बनती वो खुद घटिया होता है, और पड़ोसी जो परमानेंट है जिसको हम बदल नहीं सकते, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, वो तो बीजेपी के थे, कि भाई जिसको पड़ोसी सबसे ज़्यादा उसको हमें बना के रखनी चाहिए, बस भी लेके गए थे। तो ये बहाना बनाने, ये सारा ट्रिगर पॉइंट है, इन्होंने सोच रखा है, पूरा प्लान बना रखा है कि कब क्या काम करना है ताकि हिंदू मुसलमानों वोटों का ध्रुवीकरण हो। और ये 400-400 की बात इसलिए करें कि पहले लोगों के दिमाग में डाल दो, डरा दो, ये अपने अकल से नहीं कह रहे, प्राइम मिनिस्टर इसको साइकोलॉजिस्ट और जिनका आईटी सेल है और जो टीम है जो सैकड़ों करोड़ लेके इनको सलाह देती है और सारा का सारा दूसरे लोगों को फॉलो करती है जो इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनके पीछे लगते हैं, उनके फोन है। इस देश में इंटेलिजेंस एजेंसी का भी दुरुपयोग हो रहा है, उनसे भी निवेदन है इंटेलिजेंस एजेंसी में इस देश के जितने भी बेटे बेटी काम करते हैं, अफसरों कर्मचारी हों, कि इस जालसाजी से निकले, इस सरकार की धोखाधड़ी में ना आए, अपने देश के नागरिकों के साथ गलत काम ना करें, उनकी जो भी फ़ोन टेपिंग करने में शामिल लोग हैं वो भी बाज आएँ और अपने देश के लोगों का साथ दें। सरकार अगर तुम्हारे पे दबाव दे रही है किसी की बदली का, किसी और तरीके का, उस दबाव को झेलते हुए ऐसे चालाकी से काम करो, ऐसी समझदारी से काम करो कि इन बदमाशों का इलाज हो पाए। सर मोदी साहब का कहना है कि नारी शक्ति को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, हाँ, इससे बड़ा फ्रॉड बयान नहीं हो सकता। जिस आदमी को ये देश चाहता था कि अब तो प्राइम मिनिस्टर बन गया है और प्रेशर में आके एफिडेविट में बता दिया, पहले तो एफिडेविटों में झूठ बोलते रहे, छुपाते रहे, जब सच्चाई बता दी कि अब तो बताना पड़ेगा वरना पकड़ में आ जाओगे, कि हाँ मेरा कोई डाइवोर्सी मेरी पत्नी है कि, और पत्नी का नाम बता दिया, ये देश अंदर से तैयार था, कम से कम प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा घर हमने दे रखा है उसको और इतना बड़ा इस देश का पैसा उस पर खर्च होता सिक्योरिटी में, उस बिचारी आनंदीबेन को भी यहाँ लाए और अपनी माता जी को भी लाते तो ये देश ज़्यादा खुश होता, बुजुर्ग माता को भी यहीं लाते, हम सबको अच्छा लगता। सर अभी अभी मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि कोरेन वांगचुक जो वहाँ के फाइटर हैं, मणिपुर से लद्दाख से, मणिपुर से सर, मणिपुर से हुआ है उनके वहाँ अच्छा। के फाइटर हैं और सर वो अच्छा, उन्होंने बहुत ही मार्मिक अपील की है कि मणिपुर का दौरा करें और इस समय वहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ स्थिति बहुत खराब है, तो इस पर सर आप क्या रहे? कुछ साथी बोल रहे हैं, कुछ लोग पिटीशन फाइल करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में वहाँ चुनाव ना हो, और कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा कहता है जहाँ इस तरह की परिस्थिति हो वहाँ पे इलेक्शन टाल देने चाहिए, एमिकेबल और शांति प्रिय जगह, वहाँ लोग विस्थापित हैं, लोग विस्थापित हैं तो कौन वोट डालेगा वहाँ, सारे डाटा नहीं, लोग नहीं, तो गड़बड़ घोटाला करके ये लोग जीत जाएंगे और ये इसी तरह से ही चाहते हैं। मणिपुर में एक तरह से कुछ मामला नहीं था, मणिपुर का मामला था क्रिश्चियन और हिंदू का मामला करने के लिए, ये उसमें पूरी तरह फेल हुए। इस देश का असली हिंदू मणिपुर के साथ है, क्रिश्चियन भाई बहनों के साथ है, देश के मुस्लिम भाई बहनों के साथ। सर सीए पे एक बात और मैं आपको कह दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से, आरएसएस बीजेपी की आस्था कभी संविधान में नहीं रही है, तो हर वो काम करेगा, चाहे आईपीसी बदलना हो, धारा 370 हो, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद हो, तमाम ऐसे जो है ना डीमोनेटाइजेशन हो, तमाम ऐसे काम जिससे संविधान कमज़ोर हो, संविधान इरेलीवेंट हो, तमाम वो काम करती है, उसी की श्रृंखला में सीएए है। एक बात मेरे को याद आ गई, बहुत ज़रूरी है ये बात कहनी, मैं तो कहीं वीडियो देख रहा था उसमें क्या सच्चाई है कैसा है, हो भी सकता है कोई पॉसिबिलिटी इस तरह की, नेहा राठौर है लड़की गायक का, जी हाँ बिल्कुल, उसकी कैब का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी कैब का एक्सीडेंट हुआ कल रात को, वो नोएडा से कहीं से इंटरव्यू दे के वापस आ रही थी और यहीं ये जो अपना कौन सा पार्क लोधी गार्डन एरिया में आसपास कहीं एक्सीडेंट हुआ है, तो लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएँ की हैं कि वो मुखर होकर बोलती है, आलोचना करती है और अपनी बेबाप की, जो एक आदमी सिटीजन बात करता है उसका राइट है, वो बात करती है। तो फ्यूचर में इस घड़ी के बाद इस देश में कोई भी आदमी बोल रहा है, कोई भी आदमी आलोचना कर रहा है, कोई भी आंदोलन कर रहा है, अगर उस आदमी को एक खरोंच भी लगती है तो इसकी सीधी जिम्मेवारी इस देश के प्राइम मिनिस्टर की नंबर वन और नंबर दो इस देश के गृह मंत्री की होगी। किसी को भी कुछ होता है तो ये उस जुर्म में ये लोग शामिल माने जाएं और इनके खिलाफ देश खड़ा हो और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस बात से सचेत रहे पूरा देश। सर सोनम वांगचुक जो हैं लद्दाख में आमरण अनशन पे बैठे हैं, हाँ। उन्होंने सेना के लिए भी काफ़ी कई उपकरण बनाए हैं और अपने देश की सहायता की और मोदी जी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अभी उनकी सुनी नहीं जा रही और मेन मीडिया भी नहीं दिखा रहा है, तो सर आप क्या बोलेंगे? हम सारे ये हमारा ईवीएम हटाओ मोर्चा, मौलिक व्यवस्था अभियान, सब लोग सोनम वांगचुक के साथ है। सोनम वांगचुक न केवल लद्दाख, पूरे देश को बचाने की बात करें, उनकी बात में जो दम है कि इकोलॉजी को वो करना,
पहाड़ों को गिराना और पूंजीपति वहाँ खदान खोद खोद के डिस्ट्रॉय करना इकोलॉजिकल सिस्टम को, ये पूरी दुनिया की बात है, ये पूरे भारत की बात है। सोनम वांगचुक इस देश का महान देशभक्त सपूत है, हीरो है, उसकी सारी मांगे सही हैं, अच्छी हैं और हम उसके साथ हैं और सोनम वांगचुक जिंदाबाद। सर एक आखिरी सवाल, किसान परेशान है, आंदोलन कर रहा है, ठीक है, युवा जो है वो परेशान है रोजगारों के लिए, ठीक है, और महिलाओं पे भी जो है बहुत सारे यहाँ वो हुए हैं अत्याचार, तो सर ऐसे में जो मोदी जी 400 का नारा पार करने का दे रहे सर, तो उसके पीछे उनका जो विश्वास है वो क्या है सर? आप वो विश्वास नहीं, वो फ्रॉड है, वो देश के साथ फ्रॉड करना चाह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और देश की मानसिकता में जिस तरह से हिटलर करता था ऐसी बातें लोगों के दिमाग में डाल के ताकि लोगों को सच नजर आने लग जाए और लोग सरेंडर कर दे और बाकी लोग वोट भी ना डालें, जो खिलाफ वोट करना चाहते हैं वोट ना डालें। इसलिए पूरे देश के लोग वोट डालो, आप लोग ही अपोजिशन हो, आप लोगों को ही आने वाला इलेक्शन खुद जीतना है और आप लोगों को ही निरंकुश सत्ता को बाहर करना है। और जो ये नारा दे रहे, सैकड़ों करोड़ की कंपनियाँ रखे हुए हैं, वो सब वहीं से करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलना है, कौन सा झूठा वादा करना है, कौन सा झूठी खबर देश में फैलानी है, कौन से कपड़े डालने हैं और कहाँ पे डुबकी मारनी है, कहाँ पे तिलक लगाना है, कहाँ पे पीली धोती पहननी है, ये सारा का सारा इस देश में सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर वकील कह रहे हैं इस देश में आज जो प्राइम मिनिस्टर है उससे बड़ा फ्रॉड प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं हुआ, उस जैसा झूठा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं हुआ। और ये जो दोनों प्राइम मिनिस्टर और गृहमंत्री ये जोड़ी गुजरात में, वकीलों का कहना है सुप्रीम कोर्ट के कि वहाँ की बदनाम जोड़ी है, देश इसको सहन नहीं करेगा और देश को सहन नहीं करना चाहिए, इसलिए देश को इकट्ठा होने की जरूरत है, इनकी हर चाल में आक्रोशित होना नहीं, माइनॉरिटी मुस्लिम भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, कोई और भी हैं, और जाति पाति में भी नहीं बटना है, ये सब कुछ हथकंडे करेंगे, कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाए उस पर भी ज़्यादा रोष प्रकट नहीं करना, शांति से सोचना है, सब कूल रहना है, एक चुप सो को हराए और ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटे, देश की जनता ठंडे लोहे की तरह इन बदमाशी करने वाले गर्म लोहे को काट देगा।